दोस्तों वेलकम टू टूर चैनल बी ए प्रोग्रामर में तो आज इन्फोसिस तरफ से नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आए हम एंड सारा कुछ ओरिजिनल like, सबसे आप, आप ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा से हो अप्लाई कर सकते हो उसके लिए अलग है उसके बाद बीसीए के लिए जॉब है बीएसए के लिए दो जॉब अपॉर्चुनिटीज है बी के लिए जॉब है बीटेक के लिए जॉब है ठीक है तो सारी चीजें हम लोग देख लिया होगा सब कुछ वीडियो सब कुछ सीखने वाले हैं एंड अभी

लोग यहाँ प्लेस हो रहा हैं। जाके दे सकते हो। विल गेट इन सारे लिंक मिलेंगे। जो अप्लाई करो, so, दो एग्जाम्पल देखेंगे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ऑल द लिंक्स आपको नीचे एक मेरी वेबसाइट के लिंक मिलेगी वहां पर आपको सारे लिंक्स मिलेंगे आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हेल्पफुल फॉर यू ठीक है सपोज मैं बी के लिए जा रहा हूं सपोज आई एम गोइंग फॉर बी एस पे टैप किया मैंने एक पेज दैट इज ऑफ इफोसिस का एंड इट इज अ करियर पेज ोज प्रोसेस एक्जीक्यूटिव के लिए जैसे कि देख सकते हो एक फ्रेशर जॉब है जीरो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो तो कोई भी इशूज नहीं आने वाले हैं इट अ जीरो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड वॉट आर थिंग्स इंपॉर्टेंट जैसे बी एस सी के लिए मैंने बताया बी एस सी के लिए एंड इंपॉर्टेंट uh, क्या है ठीक है तो यहां पर रेस्पॉसिबिलिटीज पढ़नी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मांग रहा है शुड प्रोसेस शुड प्रोसेस एक्सल एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली इंग्लिश इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन का मीडियम है आप हिंदी में भी बात कर सकते हो बट इंग्लिश अगर नॉर्मल भी आती है ना इट इज गुड यू नीड टू कम्युनिकेट यू नीड अगर तो आपके सामने कोई हिंदी वाला बंदा बैठा तो आप हिंदी में भी बात करके उसको समझा सको दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है तो आप लोग परेशान मत हो इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है यार वी आई एम नॉट नोइंग दैट मच ऑफ इंग्लिश बट थोड़ा बहुत टूटी फूटी होता है ना दैट इज इज्सो ओके मेनी पीपल आई नो जो बहुत ऊपर लेवल पर है लेकिन उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है नॉर्मल चीज एक लैंग्वेज इतना हवर बनाने की जरूरत नहीं इंग्लिश के लिए ठीक है नेक्स्ट थिंग दैट इज शुड बी इनिशिएटर एंड क्रिएटिव वर्कर मतलब सपोज कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ रही है सो so आपको इनिशिएटर मतलब स्टार्ट करना है उस को आपको स्टार्ट करना का

मतलब जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करके टेस्ट लिंक आए टेस्ट लिंक शॉर्टलिस्ट हो उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सको जल्दी से जल्दी ठीक है नोटिस पीरियड वगैरह ना वैसे भी फ्रेशर्स के लिए नोटिस पीरियड नहीं होता है इट इज अ बीपीओ काइंड ऑफ जॉब और बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है आपको अप्लाई पे करना जो करियर पेज वाले अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना वो ईजी होते हैं जैसे आपने गूगल के थ्रू अपने लॉग इन किया एक अकाउंट आपने चूज आउट किया एक अकाउंट चूज, चूज साइन इन कर सकते हो साइन अप कर सकते हो वट एवर यू हैव जैसे मैंने पहले भी वीडियोज में आपको दिखाया है अप्लाई करके तो वैसे ही है ठीक है नंबर डाल डाल दिया उसके सारी चीजें दी मैंने क्या किया आई विल जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई दैट इज इट ये देखो ये मैंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है इट इज शोइंग एप्लीकेशन ऑलरेडी अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है जैसे मैं दिखा दू माई एप्लीकेशन में प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का यहां पे है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन है ठीक है बिकॉज मैं वीडियो आपको दिखाता हूं तभी होता है ठीक है और ये देखो नॉट सेलेक्टेड क्यों दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है आई विल बी टेलिंग यू जूमे के ऊपर डिपेंड करता है जैसे मैंने एक नॉर्मल रेज्यूम अपना रेज्यूमे में मैं शॉर्टलिस्ट नहीं होना चाहता हूं ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी एंड ठीक है तो मैं इसमें शॉर्टलिस्ट इस वजह से मैंने दूसरा रेज्यूम लगाया था रेज्यूम जरूर आप लोग देख लेना बहुत लोगों के सिलेक्शन हुए हैं इन्फोसिस में टीचर्स में कॉग्निजेंट में एमजॉन में नंबर ऑफ कंपनीज दे आर गेटिंग प्लेस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वीडियो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज हो रहा है कैसे हो रहा है नॉट सेलेक्टेट हो रहा है नहीं हो रहा है तो उतना सोचने की जरूरत नहीं ठीक है, है जैसे बी वाले के लिए दिखाया वैसे ही सिमिलर एक और दिखा देता हूं दीज आर सिमिलर जो करियर इन्फोसिस वाले आपको मिलेंगे सिमिलर हैं लाइक like वही एप्लीकेशन मैंने अभी दिखाया जो सर्वे वाले होते हैं सपोज मैं डिप्लोमा देखो आपको कैसे पता डिप्लोमा, का डिप्लोमा जो लिंक में ना वही लिखा होगा और लिंक्स आपको मिल जाएंगे बीएससी बीसी के लिए ये वाला बस डिप्लोमा के लिए ठीक है डिप्लोमा के लिए क्या करना आपको आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन सेवेंटी आंसर्स है ना ऑल द सेवेंटी थिंग्स यहां पे देखो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना अरवाइज शॉर्टलिस्टिंग में प्रॉब्लम होती है रेज्यूमर सही से भरना डिटेल सही से भरना टाइम लेके भरना ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी भर रहे हो और इसका कोई लास्ट डेट मेरे को पता नहीं है डेफिनेटली कहीं पे नहीं है अपने वेबसाइट पर भी नहीं दिखा होगा कहीं पर आपको नहीं देखेगा ठीक है थीके? तो मैं बोल नहीं सकता हूं कि हाँ, कब बंद हो जाए हो सकता है दस दिन बाद बंद हो सकता है पांच दिन बाद बंद हो जाए हो सकता है वीडियो डालने के दो दिन बाद बंद हो जाए जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना शेयर करना जरूर दोस्तों के साथ और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज हम लोग मिलते रहेंगे जैसे बीकॉम बी के लिए दिखा दो आप लोग परेशान होते हैं बीकॉम वाले बीकॉम वाले भी लाइक कर सकते हो यार वीडियो अगर

माई ड्यूटी ठीक है सो दिस काइंड ऑफ वीडियोज विल भी कमिंग आपको क्या करना है सपोर्ट बना के रखना है और नीचे कॉमेंट जरूर करना टिल द एंड कॉमेंट वॉच टिल द एंड और सारा टाइम स्टाइम आपको तो मिल जाएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी चीजों के साथ आपको ऐसी वीडियो रेगुलरली मिलती है चैनल पर इसी बात पर लाइक कर देना आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे री लेवल का एवरीथिंग विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इट विल भी ईजी फॉर यू टैप करके जाना ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जैन वधमा बाय